हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डी आई एम टी यूट्यूब चैनल। नॉलेज मैनेजमेंट का ये सब्जेक्ट है जिसका आज हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और उसका न्यू टॉपिक है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ऑफर पोटेंशियल टू डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, डीएसएस इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। डीएसएस ऑफर्स पोटेंशियल टू असिस्ट इन सॉल्विंग बोथ सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपको एक प्रोटेंशियल ऑफर करता है जो हेल्पफुल है सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन सपोर्ट टू मैनेजर्स एंड बिजनेस प्रोफेशनल्स ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन सपोर्ट प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को और बिजनेस प्रोफेशनल्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के टाइम पे। डेफिनेशन ऑफ डीएसएस, डीएसएस की क्या क्या डेफिनेशन होती है, ये अलग अलग ऑथर्स ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है। दोनों फर्स्ट है गौरी एंड स्कॉट मॉर्टन। गौरी एंड स्कॉट मॉर्टन ने 1971 में डीएसएस को डिफाइन किया कि मैनेजमेंट डिसीजन सिस्टम इंटरैक्टिव कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम which help decision makers utilize data and models to solve the unstructured problems। management decision system kya hota hai, ek interactive computer based system hai, uske hisab se jo decision makers ko help karta hai ki wo data ko utilize kare aur models ko utilize kare koi bhi unstructured problem solve karne ke liye। key in SWOT model in 1978 decision support systems couple the intellectual resources of individuals with the capabilities of the computer to improve the quality of decisions। It is a computer-based support system for management decision makers who deal with semi-structured problems। Key and Scott Morton ने 1978 में बताया कि decision support system क्या करता है, intellectual resources को individual की couple करता है computer की capabilities के साथ, जिससे क्या होता है क्वालिटी डिसीजन लेने की क्वालिटी इंप्रूव होती है। ये कंप्यूटर बेस्ड सपोर्ट सिस्टम है मैनेजमेंट डिसीजन मेकर्स के लिए जो डील करते हैं सेमी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम से। बेसिक थीम्स ऑफ डीएसएस, फर्स्ट थीम इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेकंड वन इज यूज बाय मैनेजर्स, थर्ड वन इज यूज इन मेकिंग डिसीजन, फोर्थ वन इज यूज टू सपोर्ट नॉट टू रिप्लेस पीपल, फिफ्थ वन इज यूज व्हेन द डिसीजन इज सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, इनकॉर्पोरेट अ डेटाबेस ऑफ सम सॉर्ट, सेवन इज इनकॉर्पोरेट मॉडल्स। बेसिक थिंग्स क्या क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये मैनेजर्स यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, डिसीजन लेने के लिए यूज करते हैं, ये लोगों को सपोर्ट करने के लिए है ना कि उसे रिप्लेस करने के लिए। ये तब यूज होता है जब डिसीजन सेमी स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड हो। ये इनकॉर्पोरेट करता है किसी भी डेटाबेस को किसी भी सॉर्ट के और ये इनकॉर्पोरेट करता है मॉडल्स को। अब क्या नीड है और क्या इंपॉर्टेंस है डीएसएस की, नीड स्लैश इंपॉर्टेंस ऑफ डीएसएस। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिसीजन, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन डेटा डेटा एवरीवेयर इन ऑल द टाइम टू थिंक, नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑप्शन स्पेस ऑफ चेंज। क्या होता है इसके लिए, हमें कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है डिसीजन की तो इसलिए हमें डीएसएस की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट इसका क्या क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूडेड है, इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑप्शन इंक्लूडेड है, पेस ऑफ चेंज स्पीड ऑफ चेंज इंक्लूडेड है, सेकेंड इज इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटराइज सपोर्ट, कंप्यूटराइज सपोर्ट की अवेलेबिलिटी की इंक्रीमेंट होना। फर्स्ट वन इज इनएक्सपेंसिव हाई पावर कंप्यूटिंग, मतलब कि बहुत सस्ती और हाई पावर कंप्यूटिंग का अवेलेबल होना, बेटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बेटर होता है इसमें, मोर एफिशिएंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाता है, इंक्रीजिंग यूजेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की यूजेबिलिटी में इंक्रीमेंट आता है। डीएसएस बेनिफिट्स क्या क्या बेनिफिट्स है इसके, नंबर वन इंप्रूविंग पर्सनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है, नंबर टू एक्सपीडाइटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक्सपीडाइट करते हैं, नंबर थ्री फैसिलिटेटिंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, फोर्थ इज प्रमोटिंग लर्निंग और ट्रेनिंग, लर्निंग एंड ट्रेनिंग को प्रमोट करता है।
करता है। फिर इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल को इंक्रीज करता है। नाउ डीएसएस एज अ सिस्टम, किस तरह का सिस्टम होता है डीएसएस? नंबर वन, मैन मशीन सिस्टम। डीएसएस इज अ मैन मशीन सिस्टम फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पजेस। मैन पार्ट इज मोर ओपन एंड प्रोबेबिलिस्टिक व्हाइल द मशीन पार्ट इज मोर क्लोज एंड डिटरमिनिस्टिक। एग्जाम्पल, डीएसएस फॉर डिसाइडिंग प्राइस एंड एडवर्टाइजिंग लेवल। मैन मशीन सिस्टम क्या है? डीएसएस एक मैन मशीन सिस्टम कहलाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। मैन पार्ट होता है बहुत ओपन और प्रोबेबिलिस्टिक, बल्कि जो मशीन पार्ट होता है बहुत क्लोज होता है और डिटरमाइंड होता है। एग्जाम्पल हो गया प्राइस डिसाइड करने वाला डीएसएस या एडवर्टाइजिंग लेवल वाला डीएसएस। नंबर टू, क्लोज लूप सिस्टम विद फीडबैक एक्सटर्नल टू सिस्टम। Feedback is not internal, like an elevator. The user provides judgmental inputs to DSS. DSS क्या यूज करता है? फीडबैक को यूज करता है आउटपुट को एडजस्ट करने के लिए। फीडबैक सिर्फ इंटरनल ही होता है एलिवेटर की तरह। यूजर क्या करते हैं? जजमेंटल इनपुट्स प्रोवाइड करता है DSS को। DSS components: database, model based, knowledge based interface with which interact with each other and the user. कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं डीएसएस में? डेटाबेस, मॉडल बेस, नॉलेज बेस, इंटरफेस जो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और यूजर के साथ। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज, क्या यूज होता है डीएसएस का? फर्स्ट एनालिटिकल मॉडल्स, नंबर टू स्पेशलाइज्ड मॉडल्स, नंबर थ्री डिसीजन मेकर्स ओन इनसाइट एंड जजमेंट्स, नंबर फोर इंटरैक्टिव कंप्यूटर बेस्ड मॉडल प्रोसेस टू सपोर्ट द मेकिंग ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस डिसीजंस। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के ये यूजेस होते हैं, पहला होता है एनालिटिकल मॉडल्स में, सेकंड वन इज स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस, थर्ड वन है डिसीजन मेकर्स की खुद की इनसाइट से जजमेंट्स में, फोर्थ इज इंटरैक्टिव कंप्यूटर बेस्ड मॉडल प्रोसेस। ये इंटरैक्टिव कंप्यूटर बेस्ड मॉडल प्रोसेस है जो सपोर्ट करता है सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड बेसिस डिसीजंस को इंप्रूव करने में, मेकिंग करने में। डिसीजन मेकिंग एज अ कंपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब अगर डिसीजन मेकिंग का एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के कंपोनेंट की तरह एक्ट करता है, इसमें ये पांच फेजेस आते हैं: मॉनिटरिंग, इंप्लीमेंटेशन, चॉइस, डिजाइन, इंटेलिजेंस। ठीक, ये सारे फेज आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में: मॉनिटरिंग, इंप्लीमेंटेशन, चॉइस, डिजाइन, इंटेलिजेंस। इसमें तीन फेजेस जो है ऊपर वाले इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस, वो आते हैं डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट। सॉल्यूशन टाइप्स, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। ऑप्टिमाइजेशन मॉडल किस काम में आता है? बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। नंबर टू सैटिस्फाइसिंग मॉडल, फाइंडिंग द गुड बट नॉट नेसेसरीली द बेस्ट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। मतलब हम एक ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे जो अच्छा तो होगा पर बेस्ट नहीं होगा। ह्यूरिस्टिक्स, कॉमनली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स दैट यूजुअली फाइंड अ गुड सॉल्यूशन। ह्यूरिस्टिक्स क्या है? एक कॉमनली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस है या प्रोसीजर्स है जो एक अच्छा सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स है? नंबर वन, मल्टीपल डिसीजन ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे डिसीजन के ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर टू इंक्रीज ऑल्टरनेटिव, नंबर थ्री इंक्रीज कॉम्पिटिटर्स, नंबर फोर नीड फॉर क्रिएटिविटी, नंबर फाइव सोशल एंड पॉलिटिकल एक्शन, नंबर सिक्स इंटरनेशनल आस्पेक्ट, नंबर सेवन टेक्नोलॉजी, नंबर एट टाइम कंप्रेशन। तो ये क्या क्या है इसके फैक्टर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग? पहला है कि मल्टीपल डिसीजन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमें इंक्रीज नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड होते हैं, कंपटीशन इंक्रीज होता है, क्रिएटिविटी की नीड इंक्रीज होती है, सोशल और पॉलिटिकल एक्शंस, इंटेंशनल एस्पेक्ट्स इंक्रीज होते हैं, टेक्नोलॉजी बेटर होती है, टाइम कंप्रेशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डीएसएस, हैंडल्स कैरेक्टरिस्टिक्स के, नंबर वन हैंडल्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ये बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करता है अलग अलग सोर्सेज में से। नंबर टू प्रोवाइड्स रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन फ्लेक्सिबिलिटी,
की ओरिएंटेशन भी प्रोवाइड करता है। सपोर्ट्स रियल ग्राउंड एनालिसिस, रियल ग्राउंड एनालिसिस सपोर्ट करता है। परफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस एंड कंपैरिजंस यूजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पैकेजेस। परफॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस और कंपैरिजंस को एडवांस ऑफ द पैकेजेस के साथ। नंबर सिक्स, सपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन सैटिस्फाइसिंग एंड ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है ऑप्टिमाइजेशन को, सैटिस्फाइसिंग को और ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस को। परफॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस, बहुत सारे एनालिसिस परफॉर्म करता है, जैसे कि व्हाट इफ एनालिसिस, मेकिंग हाइपोथेटिकल चेंजेस टू प्रॉब्लम एंड ऑब्जर्व इम्पैक्ट ऑफ द रिजल्ट। ये हाइपोथेटिकल चेंजेस लाते हैं प्रॉब्लम में, इम्पैक्ट को ऑब्जर्व करता है और रिजल्ट देता है। सिमुलेशन डुप्लीकेट्स फीचर्स ऑफ अ रियल सिस्टम, गोल सीकिंग एनालिसिस डिटरमाइंस प्रॉब्लम डेटा रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन रिजल्ट। ये प्रॉब्लम डेटा जो है उसको डिटरमाइन करता है किसी भी रिजल्ट के लिए। नाउ व्हाट आर कैपेबिलिटीज ऑफ आवर डीएसएस, क्या है कैपेबिलिटीज है डीएसएस की? सपोर्ट, सबसे पहले सपोर्ट कौन कौन सा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग फेजेस होते हैं इसमें। डिफरेंट डिसीजन फ्रीक्वेंसीज, बहुत सारी डिसीजन फ्रीक्वेंसीज होती है। जैसे सपोज एक पर्सन है, ठीक है, ये इस डिसीजन में कंफ्यूज है कि क्या मुझे दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करना चाहिए, ये कितने विजिट्स मुझे ऑर्डर करने चाहिए। हाईली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग नोन फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है? सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स वेयर इन रिलेशनशिप अमंग डेटा आर नॉट ऑलवेज क्लियर। द डेटा मे बी इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स एंड आर ऑफन डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट और ऑब्टेन। वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जहां रिलेशनशिप किसी भी डेटा के बीच में क्लियर नहीं होता, डेटा क्या होता है, डेटा अलग अलग फॉर्मेट्स में होता है और मैनिपुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ऑपरेट करना भी। उस तरह की प्रॉब्लम होती है सेमी स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर। वेब बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स बिजनेस इंटेलिजेंस थ्रू वेब ब्राउजर क्लाइंट्स दैट एक्सेस डेटाबेसेस आइदर थ्रू द इंटरनेट और अ कॉर्पोरेट इंट्रानेट। डीएसएस प्रोवाइड करता है बिजनेस इंटेलिजेंस वेब ब्राउजर की क्लाइंट्स की मदद से, जो एक्सेस करते हैं डेटाबेस को या तो इंटरनेट पे या कॉर्पोरेट इंट्रानेट पे। डीएसएस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? डीएसएस सपोर्ट सिस्टम रिलाय करता है मॉडल बेसिस पे और डेटा बेसिस पे, वाइटल सिस्टम रिसोर्सेज पे। डीएसएस मॉडल बेस क्या है? एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो कंसिस्ट करता है मॉडल्स को जो यूज में कंप्यूटेशनल या एनालिटिकल यूजिंग से, दैट मैथमेटिकली एक्सप्रेस रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स, जो मैथमेटिकली एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में। एग्जाम्पल क्या हुआ? एग्जाम्पल्स इंक्लूड नंबर वन स्प्रेडशीट मॉडल्स, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स, मल्टीपल रिग्रेशन, फोरकास्टिंग मॉडल्स, कैपिटल बजटिंग, प्रेजेंट वैल्यू मॉडल्स, डेटा माइनिंग फॉर डिसीजन सपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे